इस वक्त हम मौजूद हैं महमियात लवेसिया, ये आई डोंट नो मैं गलत पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ नाम, ये जो है मस्जिद कुबा के बिल्कुल बराबर में, यानी आपके राइट साइड पे जो है मस्जिद कुबा पड़ेगी और ये बिल्कुल मेन रोड पे है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी मदीने आए तो यहाँ पर आप विज़िट करें। इसका माहौल जो है बहुत ज़बरदस्त है, आप देखेंगे तो आपको बाकायदा सुकून मिलेगा। तो आइए आपको टूर करवाते हैं यहाँ का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ का टिकट जो है वो पर पर्सन जो है वो 25 रियाल है। ठीक है, लेकिन वाकई में एक गर्मी में अगर आप आते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है। प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर एक बाकायदा एक आर्टिफिशियल पूरा एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, जहाँ पर आर्टिफिशियल रेनिंग रेन होती है, सारे बर्ड्स वगैरह परिंदे, और एक अच्छा सा माहौल बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं बाहर का पूरा व्यू जो है वो गाँव की तरह है। ठीक है, तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, वॉइस ओवर के लिए थोड़ा सा हो रहा है। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी थोड़ी, अभी मैंने विज़िट किया था मदीने में, तो वहाँ पर मैंने ज्यारतें की हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगा। तो आप देख सकते हैं पूरा आपको गाँव का माहौल है, यानी इतना सुकून था यहाँ पर, यानी ये सुकून जो है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता कैसा सुकून था ये। आप जब भी मदीने आए तो मस्जिद कुबा के बिल्कुल बराबर में है। तो आइए अंदर चलते हैं, ये पूरा अंदर ये है, तो आप ये देख सकते हैं। देखें एक ये पूरा इन्होंने एक छोटा सा एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पे हर टाइप के आपको बर्ड मिलेंगे। और ये बर्ड जो है ये लोग बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इसको देख के, और जितने बड़े लोग हैं वो भी आके, क्योंकि माहौल एकदम आप बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पे एकदम अच्छा था, ठंडा ठंडा सा माहौल होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर भी पूरे मैंने चुड़िए वगैरह तोते हर तरह के बर्ड्स वगैरह इन्होंने दिखा दिए हुए। ये देखें पूरा इन्होंने ऊपर पैक किया हुआ है, और वो जो सामने वाला एरिया है वहाँ पर ये आर्टिफिशियल रेन करते हैं। तो एक छोटा सा ये भी बनाया हुआ है, एक तालाब टाइप का, यहाँ पर बर्ड्स वगैरह बहुत सारी होती हैं। अच्छा, जब आप 25 रियाल का टिकट लेते हैं तो ये आपको एक वो देते हैं, उस 25 रियाल के टिकट में ये आपको अल्लाह आपका भला करे, ये एक दाना देते हैं आपको, एक शॉपर में छोटी सी बिल्कुल शॉपर होती है, अब वो दाना जो है आपने यहाँ पर खिलाना होता है। और ये जितने भी ये तोते वगैरह सारी चीज़ें ये आपके हाथ पर बैठ जाएंगे, और यानी आप इनको दाना खिलाएं अपने हाथों से, एक अच्छा सा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। आप लोग आए यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं ये सेटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, और ये बर्ड्स वगैरह हैं इसके अंदर, ये भी तोते हैं, तोता है एक, ये देखें ये रहा एक, इसको हम पहाड़ी तोता कहते हैं, ये वो वाला तोता है। ये काफी तोते जो है बोलते भी नहीं, शायद अरबी बोलते हैं तो इसलिए बात वगैरह नहीं हो सकी, लेकिन कुछ ये देखें आप यहाँ पर आए आपको वाकई में एक अच्छा बहुत लगेगा, मज़ा आएगा। इसके ऊपर भी इन्होंने बनाया हुआ है, ऊपर भी इसी तरह से आप ऊपर से भी आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें सारा सेटिंग अरेंजमेंट है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये पूरा बाहर का एरिया है, बाहर गार्डन बनाया हुआ है, उसके सामने देख रहे हैं वो छतरियाँ लेके जो लोग जा रहे हैं, वो सारी बारिश हो रही है। और ये देखें हाथ जो है आप इस तरह से रखेंगे तो देखें हाथ पे बैठ के आपके जो है चुड़िया हो तोता हो सब इस तरह से दाना खा रहे होते हैं। ये देखें ये मेरा ही हाथ है, ये देख सकते हैं आप, शुरू में तो मुझे लग रहा था शायद ये काटेगी, लेकिन आपने देखा होगा अभी इसने बच्चे को काटा। बाकी ये वो जगह है जहाँ पर आर्टिफिशियल मस्तूई बारिश की जाती है, और बारिश के साथ यहाँ पर इन्होंने साउंड सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं, जो कि बकायदा बादल गरजते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट आता है ऐसा लगता है आपको वाकई में बारिश हो रही है, और लोग छतरियों में होते हैं, ये हर आधे से एक घंटे बाद जो है ना ये कर रहे होते हैं। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है इन्होंने, मसनू ही सारा आर्टिफिशियल है, देख सकते हैं। यहाँ पर लोग सेटिंग अरेंजमेंट है, लोग बैठते हैं, तो
तोते आपको एक से एक मिलेंगे। ये उल्लू है जो यहाँ पर है, देख यानी हर तरह के आपको यहाँ पर बर्ड्स मिलेंगे और जिन्हें आपको देख के वाकई खुशी होगी। अब ये बाहर आ गए हम और ये बाहर का एरिया है और देख सकते हैं पूरा गांव की तरह बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।